करके पिछले दो तीन दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, एक जेट एयरवेज एम्प्लॉई होने के नाते आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को और आगे आप क्या सोचते हैं इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में, कहाँ जा रही है सारा मोमेंट जो है? चीज़ें फिलहाल स्थिर हो गई हैं, ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन एक होप है कि ये जल्दी जल्द ठीक हो जाएंगी। लोग इस चीज़ को लेके बहुत मायूस भी हो चुके हैं, नाखुश भी हैं, गुस्सा करें तो किससे करें, लेकिन ये है कि वही लोग जेट एयरवेज के साथ अभी बंधे हुए हैं जो इसे लेके आगे जाना चाहते हैं, जो इसे लेके आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिन्होंने अपना खून और पसीना इस एयरलाइन को अपना यूथ दिया, जैसे मैं हूँ, आई एम वर्किंग विद जेट अभी कितना 23 साल हो गए, कई लोग डे वन से हैं, कई लोग 20-20 साल हो गए हैं, सो वही लोग इनके साथ हैं, तो बहुत डरे हुए हैं, लेकिन एक कहीं कॉन्फिडेंस है हमारे को, कहीं होप है कि हम वापस आएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेट एयरवेज ने आई थिंक सो एवरी फर्स्ट फीमेल, अगर आप देखें इंजीनियरिंग, आप देखें पायलट्स, कैबिन क्रू, रोस्टरिंग, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी पीपल, यू टॉक अबाउट एनी थिंग, जेट एयरवेज इज गिवन प्लेटफॉर्म। हम बोलते बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इतनी हमारे पास औरतें हैं जो काम कर रही हैं, जो आगे जा रही हैं, जाना चाहती हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हमें कहीं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, वो कुछ सपोर्ट कर दे, क्योंकि हम भी इसी नेशन के बच्चे हैं, हम भी यहीं के पले बड़े हैं, हम भी इंडियंस हैं,